प्रधानमंत्री ने एक रैली के दौरान बोला है कि जो आप मिस्टर क्लीन कहते रहेगा राजीव गांधी को, और सबसे पहला घोटाला जो हुआ वो उन्हीं के काल में हुआ, तो क्या ये चौकीदार चोर का जो नारा था उसको जैसे को तैसा वाला जवाब दिया गया है क्या? मुझे तो लगता है मोदी जी ने थोड़ा हल्की बात करी है। ये जो घोटाला पहली बार नहीं हुआ, ये तो नेहरू के टाइम से होता जा रहा है। इंदिरा गांधी के टाइम पे क्या नागरवाला कांड नहीं हुआ था? कितना बड़ा घोटाला था उस समय का, और उसके बाद तो रास्ता ही खुल गया घोटालों का। ये जो पार्टी है ये धोखेबाजों की पार्टी है, घोटालेबाजों की पार्टी है, और इन्होंने इस देश को लूट लूट के खाया है, और इनको कभी बख्शा नहीं जाएगा। और आगे क्या राजीव गांधी ने जो घोटाला किया उसको पूरे दबाने की कोशिश करी, कोर्ट पर भी इन्होंने प्रेशर डाले होंगे, काफ़ी कुछ किया होगा, जैसे इंदिरा गांधी ने नागरवाला कांड को ख़त्म करने के लिए जितने लोग थे सबको मरवा दिया। तो इनका तो ये इतिहास है, घोटालों का इतिहास है, कत्ले आम करने का लोगों का इतिहास है, झूठ बोलने का इनका इतिहास है। तो इस कारण से ये जो मोदी जी ने कहा है वो थोड़ा कम कहा है इनके बारे में, इससे ज़्यादा कहना चाहिए था। आप भी सर यही सोचते हैं? नहीं, मैं तो ये कहता हूँ मोदी जी ने जो कहा है, हमारे देश के प्रधानमंत्री है, बहुत सोच समझ के उन्होंने इस बात को रखा है। नहीं तो आपको पता है कि नहीं तो मोदी जी ऐसी बातें नहीं बोलते हैं, मर्यादा में रहते हैं। उन्होंने जब बोला है देखा है कि बाफोर्स जो था, नहीं बार बार एक चौकीदार को चोर कहा जाता था तो उसी का जवाब दिया है क्या प्रधानमंत्री? देखो आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ, राहुल को कोई नहीं लेता है सीरियस, ना कोई मानता है ना पब्लिक मानती है। मैं आपको बताऊँ इनकी जो साख है घटी है कांग्रेस में, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये चोर चोर करके इन्होंने जो आम चौकीदार है उसको भी बदनाम किया है, उनके भी पेट में लात मारी है कि लोग उन पर विश्वास नहीं करेंगे अगर राहुल गांधी चोर कह रहा है इनको। तो ये सब तो कहने की बात ही नहीं होनी चाहिए थी, मर्यादा का रहना चाहिए। देश के प्रमुख व्यक्ति को आप चोर चोर कह रहे हैं और कहलवा रहे हो पब्लिक अपने कार्यकर्ताओं से कांग्रेस के। मैं तो ये कहना चाहता हूँ जो मोदी ने जवाब दिया है बहुत सोच समझ के दिया और बिल्कुल सही दिया है, क्योंकि आप देखिए राजीव गांधी का घोटाला बाफोर्स तोप से है। अगर आपको किसी को याद होगा तो एक भोपाल में कांड हुआ था गैस कांड, उसका जो प्रमुख था उसको रातों रात इन्होंने निकलवा दिया था चुपचाप। क्या इन्होंने देश के साथ गद्दारी नहीं करी इन्होंने? देश के साथ तो उसी टाइम पता लगा गद्दारी और घोटाला था उनके, मिली भगत थी शेयर होल्डर की। तो ऐसे व्यक्ति को काय को जूत थी बाहर, उसको तो पकड़ के रखना चाहिए था। जबकि राहुल गांधी आज शोर मचाते हैं, नीरव मोदी ये फलाना वो फलाना भाग गए, तो ये सोचिए जब इतने बड़े कांड में लोग त्रासदी में मारे गए और आज तक वो भुगत रहे हैं, भोपाल कांड में भुगत रहे हैं वो लोग, तो क्या उनको राहुल गांधी को या उनके परिवार को ये चीज़ नहीं है याद? पर क्या करते हैं इनका परिवार सब झूठ बोलते हैं, प्रियंका भी पलटी मार जाती है फट से, और इनका ये समझो कि झूठ बोलने का एक इतिहास हो गया है जो गिनीज बुक में नाम लिखना चाहिए इनका। तो सर शीशे का एक ही पहलू दिखाना चाहते हैं, सिक्के का एक ही पहलू दिखाना चाहते हैं, दूसरा पहलू हमेशा से छुपाया जाता है। ऐसा है कि पहले इन लोगों के हाथ में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था, प्रिंट मीडिया इनके हाथ में था, 100 बार झूठ बोल करके उसको सच प्रूव कर देते थे। अब मोदी जी के ऊपर 14 साल तक इन्होंने अत्याचार किया, 12 साल तक अत्याचार किया, 12 साल तक झूठ बोलते रहे, परंतु सुप्रीम कोर्ट अगर ना होती तो मोदी जी को ये फांसी भी दिलवा सकते थे, मरवा सकते थे। ये बहुत झूठ बोलते हैं, और इन्होंने सोशल मीडिया की कृपा से आज इस देश के अंदर झूठ जो है वो बोलने वाले का पर्दाफाश हो जाता है। इस कारण से ये लोग अब उतना झूठ नहीं बोल सकेंगे, क्योंकि लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी देखते हैं, पेपर भी देखते हैं, और उसके साथ साथ सोशल मीडिया जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट हो गया है। तो सर आप क्या सोच रहे हैं जो राजीव गांधी के लिए बोला गया है, आप जैसे को तैसा वाला जवाब हो गया क्या ये? बिल्कुल हो गया, और साथ में थोड़ा लेट बोला है। राजीव गांधी का ये सारे बोलते हैं, लेकिन वहाँ पे ये नहीं देखते कि भाई 5,000 से ऊपर सिख मारे गए 84 के दंगों में, उसके बाद भोपाल का एंडरसन को यहाँ से भगाया, और उसके बाद जो कंपनसेशन $3 बिलियन था वो $470 मिलियन पे सेटल हुआ, और उससे पहले भी जीप कांड ले लो नेहरू से, और उसके बाद फिर जितने भी कांड हुए
मतलब 2G कोलगेट CWG आदर्श सभी इन्हीं के टाइम पे हुए। तो अब इन पे कौन, ये खुद बेल पे बाहर हैं। अभी जो वो एक बोल रहे थे कि भाई इन्होंने सारी अपनी संपत्ति, लेकिन 5,000 करोड़ की नेशनल हेराल्ड की संपत्ति पे तो ये खुद बेल पे बाहर है। माँ बेटा सैम पिट्रोडा और बाकी जो हैं तो ये सब तो बेल पे बाहर हैं, तो ये इनके इनके ऊपर कौन विश्वास करेगा इस तरीके से। और टैक्स चोरी का भी केस है इनके जो अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, और फिर भी चौकीदार को चोर कहते हैं। तो प्रूफ दे ना, प्रूफ दे। एफआईआर क्यों नहीं दर्ज वहाँ पे सर? एफआईआर अगर चौकीदार चोर है तो इन्होंने एफआईआर क्यों नहीं दर्ज करी? इंदिरा गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी, जेल में गई थी, इन्होंने आज तक एफआईआर क्यों नहीं दर्ज करी? क्यों? क्योंकि सिर्फ झूठ बोल रहे हैं, झूठ के अलावा कुछ नहीं बोल रहे। ये सिर्फ वोट लेना चाहते हैं बस। इनको सिर्फ संसद के अंदर एंट्री करनी है, उसकी सुविधाएं प्राप्त करनी है। जिस दिन इनके संसद में नहीं गए ये लोग, तो उस दिन की सारी सुविधाएं खत्म हो जाएंगी। और ये जैसे बिन उसके मछली पानी के तड़पती है ना, ये पूरा परिवार उसी तरह तड़पेगा। तो मछली जल को पाने के लिए कोशिश। अब ये कहते हैं जी राजीव गांधी शहीद हुआ, लेकिन उनको भी फिर शहीद बोलो जो बम ब्लास्ट में मारे गए, जो कॉमन सिटीजन जो मारे गए उन्हें क्या बोलेंगे? ये तो मतलब ये कहते हैं जी शहीद हुआ बम ब्लास्ट में, लेकिन वो भी तो है ना जो लोग बम ब्लास्ट में मारे गए, जगह जगह जो बम ब्लास्ट में मारे गए, जो कई सालों तक चले और टेररिस्ट अटैक हुए, उन्हें क्या बोलेंगे? ये कहते हैं ना कि देश के लिए हमारे परिवार ने कुर्बानियां दी, और उसी परिवार पर हमेशा मोदी जी हाथ और उंगलियां उठाते हैं। जितनी कुर्बानी दी ना वो सिर्फ सरदारों ने दी, पूरे लाइफ के अंदर, आज से नहीं 1947 से देख लो, सरदार भगत सिंह, त्रिवेणी सिंह, अजीत सिंह अरतार, जितने भी सरदार हैं सबने सरदारों की कुर्बानी दी है। उसके अलावा उसने किसने कुर्बानी नहीं दी? बार बार ये चीज़ें सरदारों को ऊपर नहीं उठाने की कोशिश होती। सरदार को माइनॉरिटी नहीं कहा जाता, वो कहते हैं कि खास समुदाय माइनॉरिटी है। सरदार इस समय माइनॉरिटी में, मगर माइनॉरिटी उन्हें बोला जाता है। इस पर आप क्या सोचते हैं क्या? एक हमारी कंट्री ऐसी है जो हर धर्म को काटती है, सिर्फ हमारे ऐसी कंट्री है जो हमारे धर्म को काटती है। जिसको वर्ल्ड के अंदर क्या कंट्री है, 58 कंट्रीज हैं, लेकिन हमारी कंट्री सबसे बेटर है, जहाँ पे हर बंदा रहता है। यहाँ पर हिंदू हो, मुसलमान, सिख हो, ईसाई हो, धर्म हो, बांग्लादेशी हो, सब यहाँ इंडिया में रहते हैं। लेकिन सरदार जो कौम है ना, 84 में जो कांड हुआ था, जानते हैं हम? आपने भी सोचा होगा, देखा भी होगा, सबने सुना भी होगा, जो इतना बड़ा कांड हुआ था। अगर वो कांड किस वजह से हुआ था? सिर्फ गांधी परिवार की वजह से हुआ था। पर आज तो गांधी परिवार ही पंजाब में राज कर रहा है। अब नहीं करेगा ना, अब नहीं करेगा। क्या हो गया सिखों को? क्या हो गया है? अब बदल गए ना, अकल आती है ना देर दोस्तों, जब जागे जब सवेरा। ऐसा है, मैं शायर गीतकार हूँ, शायर और गीतकार हूँ और एक्टर हूँ मैं, ठीक है? साक्षात बसीन मेरा नाम है, राइट? इस देश का बैंड बजा हुआ है, राइट? और इसको सिर्फ और सिर्फ मोदी संभाल सकता है। ओके, क्या कह दिया मैंने? जब मैं बोलता हूँ तो पहले तोलता हूँ, राइट? उससे पहले बोलता ही नहीं। बहादुर जैसे और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे नालायक लोग छोड़ के भाग रहे हैं मोदी जैसे आदमी को। सर मिलेगा ऐसा डायमंड किसी को? नहीं मिलेगा। टेल मी, नहीं मिलेगा? कहाँ मिलेगा ऐसा आदमी? पूरी दुनिया के अंदर छाया हुआ मोदी, सिर्फ मोदी ही फिर से प्रधान हो, नेक नियत का मोदी शिखर की शान हो। नेक नियत है सर, नियत सच्ची होनी चाहिए। लोभ लालच के अंदर घिरे सिद्धू, गद्दार बने सिद्धू सरदार, डुबोया भारत का नाम, जरूर नापाक समर्थकों से मिला मोटा उनको इनाम, मिला मोटा उनको इनाम। झट बोले गुरु ठोको ताली, ठोको ताली, सच में भारत की जनता आज दे रही उनको गाली। बसीन दिल में समाए वो, दो लाइनें और, बसीन बसीन दिल में समाए वो होते जो देश भक्त दमदार, लोभ लालच में घिरे सिद्धू सरदार से बने आज गद्दार। खत्म कहानी।
बोली थी सर, सिद्धू ने बोला था कि ऐसा छक्का मारो कि प्रधानमंत्री देश के बाहर जाके मरे, इस पर आप क्या सोचते? मतलब प्रधानमंत्री मोदी के बारे में ना? अरे वो अपने आप को तो देखे पहले, वो तो छक्का है, छक्का जिसे कहते हैं, राइट, छक्का है वो तो खुद छक्का है, ना मर्द जिसे कहते हैं, वो तो खुद छक्का है, मोदी तो मर्द है, वो क्या छक्का मारेगा, वो क्या छक्का मारेगा, घंटा मारेगा वो? मोदी की लहर नहीं है, मोदी की सुनामी है, मोदी की सुनामी है, फाड़ देगी सबको। सुनामी तो प्रियंका गांधी की थी। अरे प्रियंका क्या रखती है यार, नथिंग, दे आर नथिंग, दे आर ये नादान, ये ना, ना क्या कहते हैं, नादान लोग हैं ये लोग। राहुल देखता उधर है, बोलता उधर है। मैं चार दिन आपको ट्रेनिंग दे दूं, आप उससे ज्यादा बढ़िया बोल लोगे। ओके, अपनी असलियत नहीं पता। कह रहे हैं जो राजीव गांधी पे बयानबाजी हुई है, प्रधानमंत्री ने बोला है कि उसने जो बोला प्रधानमंत्री ने, ओके, जो बात बनती है वो बोली जाएगी। शेर जो होता है दम के बोलता है, ओके, ऐसा नहीं होता। कह रहे कि मेरे देश ने, मेरे परिवार ने कुर्बानी दी इस देश के लिए। कुर्बानी क्या होती है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कुर्बानी, आस्क राहुल गांधी। ओके, कुर्बानी तो फौज ने दी थी सन 65 की लड़ाई में, सरदार पटेल, इन्होंने टेबल पे जाके हार दी सारी जमीन, हमने जो जीती थी सन 65 की लड़ाई में, इन सालों ने टेबल पे जाके हार दी, फौजियों ने कुर्बानी दी। हाँ। और आज कहते हैं हमने लड़ाई जीती, बकवास करते हैं। इसके अलावा 65 की जो लड़ाई थी, उसमें जितनी जमीन हमने दी उसके बदले हम पीओके वापस ले सकते थे पाकिस्तान से। कहते हैं हम सन 71 की लड़ाई जीती, क्या जीती? 1 करोड़ बांग्लादेशियों का बर्डन इस देश पे डाल दिया, जो आज 10 करोड़ हो गया है, तो बोझ है हमारे। उन्होंने इस देश के साथ गद्दारी करी है, गद्दारी की है। अभी गद्दार बने सिद्धू सरदार, सुनाई थी ना आपको, वो जुड़ गया देखो साथ में भी। हाँ। राइट। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये परिवारवाद देखिए कितना है। राजीव गांधी को भारत रत्न दिया गया, क्या वो भारत रत्न लायक थे? हमारे खेल के, हॉकी के जो ध्यानचंद थे, उनको भारत रत्न नहीं दिया गया, इनको भारत रत्न दिया गया। किस न्याय से भारत रत्न? हर जगह देखिए आप, इनकी हर संस्था होती थी राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी। अरे भाई, आप लोग अगर देश में अगर शासन कर रहे हैं, आप गरीबी के बारे में कुछ नहीं सोच सकते हैं, तो कम से कम ऐसा तो ना करो, अन्याय तो ना करो। जहाँ पर जिसका बोस की आजाद हिंद फौज को भी आज तक सम्मान नहीं मिला। मैं कहता हूँ बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, ये सुभाष चंद्र बोस का तो एक ही दम इन्होंने बहिष्कार किया है इन्होंने। और आपको एक थोड़ी सी और बात बता दूं, जितने भी उनके सिपाही थे आजाद हिंद फौज के, उनको क्या फैसिलिटी दी इन्होंने? एक वन पेंशन वन रैंक इन्होंने कितने सालों तक रोकी रखी, जो अभी बात हुई है 84 के दंगों में, कितने साल तक उन्होंने बचाया रखा अपने कांग्रेसी साथियों को? तो सर जैसे आपसे, सर जैसे को तैसे वाला जवाब दिया गया है क्या? चौकीदार को चोर कहते थे, उनको कहा गया कि आपका बाप पहले चोर। चौकीदार को चोर बोल रहे ना, मैंने अभी परसों भी बोला था, मैंने चैनल के ऊपर बात चली, कौन सा चैनल, 9 है क्या नाम है, बात चल रही, राइट। तो मैंने कहा हमारा पहला प्रधानमंत्री है जिसको डबल रोल करना पड़ रहा है, तो सारे बौखला गए, उल गए थे। मैं कहा वो प्रधानमंत्री भी है और चौकीदार भी है, है नहीं, डबल रोल यार, डबल ड्यूटी कर रहा है वो बंदा। 4 घंटे सिर्फ सोता है वो, मुश्किल से पूरा दिन रात का, ऐसा कोई मिलेगा काम करने वाला? राइट। देखो मेरा गाना सुने, प्रधान भी तू, ये दूसरा गाना सुन लो मेरा, प्रधान भी तू चौकीदार भी तू, है मोदी तू ही भारत की रूह, प्रधान भी तू, नमोगिन नमोगिन वक्त की पुकार है। मोदी ये चोर जो 60 सालों से जो चोरी करते आ रहे हैं, अभी भी चोरी होती रहेगी। आप चाहोगे कि आपके घर में चोरी हो तो चौकीदार चाहिए। जीव जी के ऊपर जो कहा गया, जो प्रधानमंत्री ने अपनी रैली में बोला है, उसके बारे में आपका क्या विचार है? जैसे कि तैसा बात होगी, मतलब राजीव गांधी जी को करप्ट बोला गया, नंबर वन करप्ट बोला गया है, तो ठीक है। देखिए उन पे आरोप लगे, जो भोपाल गैस कांड हुआ उसमें वो एंडरसन को एयरपोर्ट तक छोड़ के आए, तो वो सब दोष तो उनके ऊपर रही हैं। बोफोर्स तो घोटाला भी हुआ है, तो वो भी उनके ऊपर आरोप रही हैं। हम तो ये कहेंगे, देखिए कांग्रेस या राजीव गांधी सिर्फ घोटालेबाज पार्टी नहीं रही है, उनके ऊपर 5,000 सिखों की हत्याओं का
आरोप भी है, आरोप क्या उन्होंने करा है, तो वो लोग चोर तो है ही, हत्यारे भी हैं, ठीक है ना। उन्होंने अगर उनको अगर किसी ने, दो सिखों ने मारा था इंदिरा गांधी को और उसके बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने उसका बदला 5000 सिखों से लिया है, तो उनकी हत्याओं का भी उनको जवाब देना पड़ेगा कि उन 5000 सिखों का क्या कसूर था कि जिनको गले में टायर डाल के इसी दिल्ली की लुटियंस जोन में, जहां प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, आर्मी मुख्यालय सारी चीजें हैं, इस कनॉट प्लेस के, कनॉट प्लेस इस नई दिल्ली पुरानी दिल्ली के एरिया में मारा गया, तो उन सिखों पे भी कांग्रेस को जवाब देना है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पे कांग्रेस को जवाब देना है। आरोप लगे हैं, घोटाले हुए हैं। अब घोटाले तो नेहरू जी के समय भी हुए थे, जीप घोटाला हुआ था और ये घोटाला प्रूव हो चुका है कि हुआ था। तो अगर ये घोटाले हुए हैं तो मोदी जी ने कुछ गलत नहीं बोला। आप मोदी जी को बिना किसी सबूत के चोर बोल सकते हो, तो आपके ऊपर तो इंक्वायरियां बैठी हैं। आपने तो जो अगस्ता वेस्टलैंड है उसके ऊपर प्रूफ भी हुआ है, आप कई मुद्दों पे बेल पे भी हो कई चीज़ों में, तो आपके तो कई प्रूफ भी हो चुके हैं कि गांधी परिवार अब बेल पे है तो किस लिए है, इन्हीं सब चोरियों के उसमें है ना, तो चोरियों में है। तो ये कई चीज़ें जिनको गांधी परिवार का खुद ही इनको जवाब देना है, कई चीज़ों का जवाब कोर्ट देगी और कई चीज़ों का जवाब ये खुद देंगे।